28 सितंबर को सलार की एंट्री होने वाली है थिएटर में। केजीएफ के बाद प्रशांत नील की ये अब तक की बेस्ट मूवी आप कह सकते हैं। मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है पर फिर भी ऐसा ही होगा। केजीएफ का बुखार लोगों के ऊपर से अब तक हटा भी नहीं है। प्रभास की आदिपुरुष इसका पूरा सीन ही फेल हो गया और होना भी था। तो बस अब सलार का इंतजार है पब्लिक को। सलार का टीजर रिलीज हुआ है और पूरा छा गया। कोई ये नहीं कह सकता कि उसको मजा नहीं आया। वहीं प्रशांत नील का अंदाज, इंग्लिश में डायलॉग फेमस करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत नील की मूवी के डायलॉग अपने आप ही फेमस हो जाते हैं। प्रभास को भी इससे उतनी उम्मीद होगी जितनी पब्लिक को है प्रभास से। आदिपुरुष में काम करने के बाद सबसे ज्यादा रिग्रेट अगर किसी को हो रहा होगा तो वो खाली प्रभास से होंगे। साउथ की मूवीज जहां पहले हवा में चलती थी अब पूरी इंडस्ट्री को यही चला रही है। एक तरफ प्रभास की सलार और दूसरी तरफ एनिमल, रणवीर कपूर की एनिमल, इसको भी साउथ के मेकर्स ने बनाया है। संदीप रेड्डी वांगा, इस बंदे ने कबीर सिंह बनाई थी। रेवोल्यूशन लाने वाले डायरेक्टर है ये। साउथ का तो बोलबाला अब नॉर्थ में भी है, कॉन्टेंट होना चाहिए। अब शायद बॉलीवुड वालों को भी समझ आ रहा होगा और अगर अब भी नहीं समझ आया तो इनकी दुकान बंद है और सोशल मीडिया पर भी इनको जगह नहीं मिलनी। सोशल मीडिया भी टेक ओवर है पर ये लोग पैसा भी लगाते हैं और मूवी भी बनाते हैं पर इनकी मूवी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ये जो बड़े स्टार वाला सीन है अब उनकी प्रेजेंस भी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। मूवीज तो दूर की बात है। पुनीत सुपरस्टार ने अकेले ही पूरे बिग बॉस की ऐसी की तैसी कर दी। ओटीटी पर भी अब ऐसा लगता है कि इन स्टार्स की कोई जगह नहीं है। प्रभास का काम आदिपुरुष में सबने देखा और जिसने देखा बस एक ही बात बोली है, क्यों, इतना बुरा क्या हो सकता है। जिस तरह की फिल्म बनाई है उसको वैसे भी कितने नहीं देखा है लेकिन एक गलती तो कोई भी माफ कर देता है। लोगों ने अगर माफ नहीं करा तो सलार का क्या हुआ। इस मूवी का जो प्लस पॉइंट है वो है इसका डायरेक्टर। डायरेक्टर का नाम ही काफी है, प्रशांत नील की पुरानी फिल्म केजीएफ। इसने जितना कमाया उसका तो वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है। यश की केजीएफ अभी तक लोगों को याद है और हर एक डायलॉग लोगों को जुबान पर रटा हुआ है। बट अभी तो सलार का खाली टीजर ही आया और लोगों को पागल करने के लिए इसका ट्रेलर ही काफी है। जिस तरह का बज़ है इसका लोगों के दिमाग में, बस पब्लिक वेट ही कर रही है कि कब मूवी रिलीज होगी। मूवी की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, 28 सितंबर को प्रभास की सलार सिनेमा में आएगी। पूरी मूवी वैसे ही लोगों को पसंद आनी है प्रशांत नील के नाम पर। आदिपुरुष की सारी गलती का क्रेडिट बस दो लोगों को मिला है, एक तो है इसके डायरेक्टर ओम राउत और दूसरा आदमी बहुत साथ है इस मूवी का राइटर मनोज मुंतशिर। ट्विटर पर इसके साथ जो हुआ है वो तो सबको पता ही है। ऐसे कमेंट आए जिन्हें आप पढ़ भी नहीं सकते हो लेकिन ट्विटर पर पढ़कर हंसी बहुत आएगी। बट ये सारी बात अब पुरानी है। अब और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है सलार की। प्रभास का बिल्कुल बदला हुआ लुक है और एक बात तो पक्की है कि बॉक्स ऑफिस पर होनी तबाही है। पर जैसा भी हो लोगों का एंटरटेनमेंट तो पक्का है, बस आप इंतजार करो 28 सितंबर का। दिवाली को आने में वैसे तो भी टाइम है पर इंडिया में दिवाली 28 सितंबर से ही चालू हो जाएगी। साउथ की बेस्ट मूवीज अभी भी पाइपलाइन में है। सलार, केजीएफ 3 के बारे में रूमर्स अभी भी जिंदा है और इन सबसे ऊपर जो है वो जूनियर एनटीआर की एनटीआर 31। प्रशांत नील इन तीनों फिल्मों के डायरेक्टर। धमाका मिलेगा। अगर बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।